तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। आज के सिनेमा शो में हम बात करेंगे अमेरिका में एनिमल की एडवांस बुकिंग की। आपको बताएंगे कैसे दिवाली और वर्ल्ड कप टाइगर 3 पर भारी पड़ गए, और साथ ही बताएंगे फराह खान ने क्यों कहा कि डंकी की कहानी हैप्पी न्यू ईयर की पहली स्क्रिप्ट जैसी है, जिसे करने से शाहरुख ने मना कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनेस इनसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर टाइका वाटिटी ने बताया कि उनका फिलहाल मार्वल की थॉर फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म बनाने का कोई प्लान नहीं है। वो अभी अपनी दूसरी फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। विकी कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली अब OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है। इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। फिल्म 22 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की पहली पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज किया गया है। कोरियन हॉरर ड्रामा सीरीज स्वीट होम के दूसरे सीजन का ट्रेलर आ गया है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 1 दिसंबर से प्रीमियर होगी। शो के पहले सीजन को भी लोगों ने खासा पसंद किया था। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल की एडवांस बुकिंग पहले US में 172 स्क्रीन्स पर खुली थी। उसके बाद 6 स्क्रीन्स और ऐड की गई और 14 शोज बढ़ाए गए, जिसके बाद अब तक फिल्म के लगभग 1500 टिकट्स बिक चुके हैं और फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 22 लाख रुपए की कमाई कर ली है। इस वीकेंड एनिमल की टीम दुबई जा रही है। 17 नवंबर को रात 8 बजे फिल्म का टीजर बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। रणबीर के साथ इस मौके पर बॉबी देओल और डायरेक्टर संदीप रेड्डीवांगा भी मौजूद रहेंगे। सेकंड की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीकेंड टाइगर 3 की कमाई में उछाल आ सकता है। सुबह तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 6 लाख का कलेक्शन किया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिन बढ़ने के साथ यह आंकड़ा और बढ़ेगा। फिल्म छठे दिन 22 करोड़ 50 लाख के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। टाइगर 3 को दिवाली के दिन रिलीज करने के पीछे मंशा थी कि दिवाली के बाद की छुट्टियों को भुनाया जा सके। रिलीज के दूसरे दिन यानी सोमवार को तो इसका फायदा भी हुआ, लेकिन तीसरे दिन से कलेक्शन ऐसा गिरना शुरू हुआ कि उठा ही नहीं। 15 तारीख को भी भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच के चलते फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आई। सेकनल्क के मुताबिक इसके ठीक एक दिन पहले फिल्म ने 44 करोड़ 30 लाख के आसपास कमाए थे और इस दिन फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 21 करोड़ रहा। 16 नवंबर को फिल्म ने 18 करोड़ 5 लाख के आसपास की कमाई की। इसी दिन वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भी था। अब रविवार को है वर्ल्ड कप फाइनल, ये होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि इस दिन भी टाइगर 3 की कमाई पर असर पड़ेगा। ANI को दिए एक इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने बताया कि शुरुआत में टाइगर 3 में विलेन का किरदार निभाने को लेकर वो असमंजस की स्थिति में थे। उन्होंने हमेशा ही पॉजिटिव या ग्रे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ये पहली बार था जब वो फुल फ्लेज्ड विलेन बनने वाले थे। आमिर खान के बेटे जुनैद खान जल्द ही अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग जनवरी में जापान में शुरू होगी। फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और सुनील पांडे इसके डायरेक्टर हैं। अमित त्रिवेदी का क्रिकेट वर्ल्ड कप पर बना एंथम रिलीज हो गया है। नाम है लेट्स डू इट दोबारा। इस वीडियो में क्रिकेट के दो दिग्गज के श्रीकांत और हरभजन सिंह बैट के साथ एक्ट करते दिख रहे हैं। गाना आते ही लोगों की जुबां पर चढ़ गया है। भारती सिंह और हर्ष लंबाचिया के साथ एक चैट शो में बात करते हुए फराह खान ने कहा, मैंने डंकी का प्रोमो देखा। इसकी कहानी कुछ वैसी ही है जैसी हैप्पी न्यू ईयर की पहली स्क्रिप्ट की कहानी थी। उन्होंने कहा, जब मैंने शाहरुख को वो कहानी सुनाई तो उन्हें वो पसंद नहीं आई, क्योंकि शाहरुख को लगा कि वो उस रोल के हिसाब से ज़्यादा उम्र के हैं। अब बारी आज के रिकमेंडेशन की। मील पत्थर नाम की एक फिल्म है। कहानी है ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है गालिब। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिल्म में उसके अकेलेपन को आप महसूस कर सकते हैं। गालिब दिल्ली की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाता है। डबल शिफ्ट में काम करता है ताकि अपनी पत्नी की मौत के दुख से बाहर निकल सके। वो हर समय अपने ट्रक के साथ रोड पर चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ है जो ठहरा हुआ है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको उसका एहसास भी होने लगेगा। गाड़ी चलाते चलाते गालिब की कमर में दर्द होने लगता है। मुझे लगता है कि ये दर्द उसके दिमाग में चल रहे गिल्ट को प्रदर्शित कर रहा है। गालिब का किरदार निभाया है सुविंदर विक्की ने। उनके दोस्त बने हैं लक्ष्मीर सरन। फिल्म को डायरेक्ट किया है इवान अय्यर ने। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। देखिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज के सिनेमा शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।